हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स में सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर टेंथ ऑफ मे 2020 तो so 10 मई 2020 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चन फॉर यू टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लो एलवीडियो इनमें सबसे कम एलवीडियो किसका है ए इज बेयर सॉइल इज डेजर्ट सैंड सी इज फ्रेश एसफॉल्ट या डी इज ओशन आइस तो थिंक ऑफ द आंसर पॉज द दीडियो लेट मी टेल यू द आंसर आंसर फॉर दिस विल बी फ्रेश एसफॉल्ट इसका आंसर होगा फ्रेश एस फॉल्ट पॉइंट जीरो फोर के आसपास इसका एलबीडो रहता है इसमें सबसे कम है क्वेश्चन आपके लिए है कि एलबीडो होता क्या है तो प्लीज अगर आप बता सकें तो एलबीडो क्या होता है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो क्वेश्चन पूछा था से हमने कंसिडर अबाउट सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दें आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज सिचुएटेड इन मणिपुर दूसरा क्या रेट है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत वन ओनली टू ओनली बोथ या नन एक एक करके बता देता हूँ पहला स्टेटमेंट इट इज सिचुएटेड इन मणपुर ये गलत है क्यों क्योंकि नागालैंड में सिचुएटेड ना कि मणिपुर में तो ये गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट अभी इसको एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया तो यस किया गया है तो याद रखेगा कि नागालैंड गवर्नमेंट ने इसको एलिफेंट रिजर्व घोषित किया ये देश का तीसवा एलिफेंट रिजर्व बनेगा सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेगा सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है द फॉइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेगा वाइल्ड लाइफ सैंकुरी तो मेगा मलाई वाइल्ड लाइफ सैक्चुरी रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत आपको बता है पहला स्टेटमेंट कह रहा है इज लोकेड इन केरला तो ये गलत है स्टेटमेंट क्यों क्योंकि ये तमिलनाडु थेनी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है ना कि केरला में दूसरा स्टेटमेंट है स्पीशीज ऑफ वुड स्नेक इज अ पॉइंट एंडेमिक हेयर तो हाँ वुड स्नेक की स्पीशीज यहाँ पर एंडेमिक है तो ये स्टेटमेंट सही है आंसर विल बी टू ऑनली बी विल बी द करेक्ट आंसर तो वर द थ्री क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये तीन क्वेश्चन के बारे में तो पहला हमने पूछा था एस फ्रेश एस सबसे कम एल्बीडो किसका होता है फ्रेश एसफाल्ट का सबसे कम होता है और ये बेयर साइल का पॉइंट वन सेवन होता है डेजर्ट सैंड का पॉइंट फोर जीरो होता है ओशियन आइस का पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन होता है सिंगफन हमने पूछा था तो ये नागालैंड में लोकेटेड है ना कि मणिपुर में और तीसरा हमने पूछा था मेघालय तमिलनाडु में लोकेटेड है ना कि केरला में मैप ऑफ द डे में हम बात करेंगे बेसिकली आज जीसीसी कंट्रीज़ की यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात कर लेते हैं न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है इंडिया से भी रिलेशन रहा है इस जीसीसी का तो कई बार पूछ सकता है रिवीजन मैप है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एक बार बता दो छह मेंबर्स हैं इस इसके ग्रुप के छह मेंबर है बेसिकली और इसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि ईरान और इराक इसके मेंबर नहीं है क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगा तो ईरान और इराक में होगा क्योंकि ये भी ऑयल वाली कंट्रीज हैं लेकिन ये इसके मेंबर नहीं है याद रखेंगे छह कौन कौन से मेंबर हैं तो पर्शियन गल्फ के अराउंड ये जो कंट्रीज़ हैं कुवैत हो गई आपकी और ये आपका बहरेन हो गया कतर हो गया ओमान हो गया यू हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया तो कुवैत बहरेन कतर ओमान सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात कि ए संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं तो ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना लोकेशन देख लो तो यहां सबसे पहले ये सऊदी अरेबिया आपको मिल जाएगा यहां पे फिर आपको ये कुवैत मिल जाएगा फिर आपको ये बहरेन मिल जाएगा देन आपको ये कतर मिल जाएगा देन आपको ये यू मिल जाएगा और देन आपको यहाँ पे ओमान मिल जाएगा तो ये इसके मेंबर्स हैं बेसिकली छः मेंबर हैं इनको याद रखना इनकी लोकेशन याद रखना नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट देख लेना कहीं कहीं कई बार पूछ सकता है ओके और ये जो वाइट कलर में जो कंट्री दिख रही है यमन है ये इसकी मेबर नहीं है यमन ये मेन एज फेमस फॉर हाउदी रेवल्स ओके हाउदी रेवल्स के कारण फेमस रहता है सऊदी अरेबिया से काफी इनकी एंट्री चलती है और ईरान का इनको सपोर्ट मिलता है इसीलिए ईरान और सऊदी अरेबिया की भी एंट्री चलती है तो ये भी आप याद रख सकते हैं दीदर फैक्ट्स विच आर रिलेटेट टू तो दिस आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप नाउ लेट्स मूव विद नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस पार्ट ओके अब हम न्यूज एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे पहली जो न्यूज है वो है आई आर टू टेस्ट फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट तो आई जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को पचहत्तर डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट करने वाला है तो यहाँ

क्या होता है अभी तक हम क्या कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति है कोरोना पॉजिटिव मिला अगर हमको तो हम क्या करते हैं उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं उसकी उसकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है और उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो करते हैं कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया जिसको कोरोना था या क्या वो किसी ऐसी जगह पर गया जहां पर कोरोना फैलने का खतरा रहता है तो ये चीजें देखते हैं मगर अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से कोरोना हो जाए कि ना वो कहीं गया हो ना उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री हो और ना ही वो किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया है जिसको कि कोरोना है तो फिर ऐसे केस में क्या होगा तो ये जो चीज होती है तो जब कम्युनिटी में इस तरीके से डिसीज फैलना शुरू करती है कि ना ही आपको कॉन्टैक्ट में कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसको इन्फेक्शन हो ना ही वो कहीं ऐसी जगह गया हो जहां पर इन्फेक्शन फैला हो तो फिर ऐसे व्यक्तियों को दे आर सेट टू बी एफेक्टेड बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं अब होता क्या है जब भी जो लॉकडाउन चल रहा है जो फिजिकल डिस्टेंसिंग करने की बात की जा रही है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को चेक करने के लिए ही किया जा रहा है ओके तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ही यह चीज़ बेसिकली की जा रही है और एक और दिक्कत, दिक्कत यह कि अगर एक बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया तो कंट्री में फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को ट्रेस करना तो आप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को फिर ट्रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि ना ही उसे कोई ट्रेवल हिस्ट्री

रिप्रेजेंटेशन जो है डब्लूएचओ में वो आई सी एम आर ही करता है इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज की उन्नीस सौ ग्यारह में पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की थी बॉडी उसका नाम था इर्फा यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन आई आर एफ ए इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन बनाया था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था फॉर स्पॉन्सरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मेडिकल रिसर्च इन द कंट्री तो देश में मेडिकल रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना स्पॉन्सर करना इसका काम हुआ करता था उन्नीस सौ उनचास में नाइनटीन फोर्टी नाइन में इसको रीडिजाइन किया गया इसको आई सी एम आर बना दिया गया ठीक है ना और ये जो आता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर तो एक और न्यूज फ्रंट पेज में थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कोट करेगा कोविड नाइनटीन वैक्सीन बनाने के लिए आईसीएमआर जो है वो कोलेबोरेट करेगा विद भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ न्यूज तो भी आपका फ्रंट पेज की दो न्यूज आइटम्स थे आईसीएमआर वाला और ये दूसरा आईसीएमआर भारत बायोटेक

फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए बीपीआर एनडी ने एक स्टेप बाई स्टेप गाइड लॉन्च किया इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द फेक न्यूज अब बात कर लेते तो हो बीपीआरएनडी के बारे में तो गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन उन्नीस uh, सौ सत्तर नाइनटीन सेवेंटी में फॉर्मली स्टेबलिश किया था बीपीआरएनडी को जिसको ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं ये स्टैब्लिश है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके अंदर है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर है? इन ऑर्डर टू गिव अ न्यू ओरिएंटेशन टू द एग्जिटिंग पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल तो हुआ क्या था कि पहले जो बी पी आर एन डी था उसके पहले एक बॉडी थी जिसको बोलते हैं पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल वो नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में बनी थी पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल तो उसको एक नया ओरिएंटेशन दिया गया बेसिकली और उसमें कुछ नए मॉडर्नाइजेशन के साथ उसे कुछ ऑब्जेक्टिव बढ़ाए गए और उसको फिर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवेलपमेंट करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर स्टैब्लिश किया गया इसके काम क्या है बेसिकली टू टेक डायरेक्ट एंड एक्टिव इंटरेस्ट इन द इशूज

डायरेक्ट इंटरेस्ट जो कंट्री के रिलेटेड है या पुलिस रिलेटेड है उनमें डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना ये सारे काम बीपीआर के हैं दो में बीपीआरएनडी के अंतर्गत एक मिशन स्टेबलिश किया गया जिसको बोलते हैं नेशनल पुलिस मिशन ओके तो नेशनल पुलिस मिशन वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एनडी और ये स्टार्ट हुआ था 2008 में इसका काम क्या है बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म द पुलिस फोर्सेज तो कई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है टू ट्रांसफॉर्म द पुलिस फोर्सेज इन द कंट्री इंटू इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी तो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव बन पाए, इस कारण से के 2008 में एक मिशन स्टार्ट किया गया जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट क्रमिनस सौ बयासी से वर्किंग है इसको बोलते हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज तो ये जो बेसिकली इसका जो सुपरविजन कंट्रोल है ये भी आ, आपका बीपीआरएनडी के अंतर्गत ही आता है ठीक है ना तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस, आ, न्यूज़ आइटम में आपको सीखने को मिले आई होप यू गोट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आइटम्स आगे मूव करेंगे एक एक करके और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है यू कैन मूव विद मी आप भी अपने पेपर में इस तरह से आगे बढ़ते जाइए लेट्स अगली जो न्यूज़ है बेसिकली वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है अब वो न्यूज़ क्या बोलती है अभी ये कहा गया है कि आप सर्विलेंस यानी कोविड 19 के टाइम में सर्विलेंस रखने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है उसको यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे लिखा है देखो साइंस एंड टेक पेज में एन एफ एस एच एस डेटा विल बी यूज फॉर द सर्विलेंस फॉर कोरोना वायरस अब हुआ क्या है बेसिकली जो लैनसेट है लैनसेट ग्लोबल हेल्थ जो है जो आपका एक जर्नल है मेडिकल जर्नल है लैनसेट और उसने एक रिपोर्ट निकाली थी उसमें यह कहा कि आपको डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे जो आपकी कंट्री का डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे है उसका यूज़ करना चाहिए

अब ये है क्या तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो कि कंडक्ट किया जाता है फॉर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट द कंट्री अब अभी तक याद रखने वाली बात इसमें यह है कि एन यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पांच राउंड यानी कि पांच बार ये हो चुका है तो एन एफ फाइव तक का डेटा आ चुका है पहली बार जब ये सर्वे हुआ था तब ईयर था 92, 93 तो उन्नीस सौ बानवे तिरानवे में पहली बार डेटा आया था और अभी जो सर्वे आया है फिफ्थ वाला वो उन्नीस बीस का है 2019 20 का आया ठीक है ना तो याद रखिएगा 2019 20 का जो एन एफ एच एस यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव है ठीक है ना अब इसके अंदर बहुत सारे डेटा रहता है जैसे कि फर्टिलिटी का डेटा रहता है इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा रहता है इंडिया में फैमिली प्लानिंग का क्या स्टेटस है मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ का क्या स्टेटस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या स्टेटस है न्यूट्रिशन अनीमिया यूटिलाइजेशन ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है तो अगर आपसे यूपीएससी पूछना चाहेगा तो ये भी पूछ सकता है कि एन के अंदर इनमें से कौन कौन सी डेटा आपको या जानकारी आपको मिल सकती है फर्टिलिटी के बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में न्यूट्रिशन के बारे में यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में ये सारा अनीमिया के बारे में भी ये सारी चीज़ें आपको मिल सकता है डेटा ठीक है

करना इसकी जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने एक इंस्टीट्यूट को बना रखा है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो कि मुंबई में लोकेटेड है आई पी यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई में लोकेटेड है ये नोडल एजेंसी है जिसको कि किसने डेजिग्नेट uh, किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो कि मुंबई में है एज इट्स नोडल एजेंसी तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम था ये आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है तो साइंस एंड टेक पेज का ही न्यूज है साल फॉरेस्ट टोटॉइज हैबिटेट है स्ट्रेचेज ओवर अनप्रोटेक्टेड एरियाज नाम है क्या साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज तो सबसे पहले हम साल फॉरेस्ट टोटाइज के बारे में जानेंगे न्यूज़ क्या कह रहा है उसके बारे में भी जानेंगे ठीक है ना तो साल फॉरेस्ट ऑथराइज जो है बेसिकली ये ईस्टर्न एंड नदन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वाले पोर्शन में लोकेटेड है कहां कहां लोकेटेड है ईस्टर्न एंड नदर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया तो ईस्टर्न एंड नदन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है लेकिन अब ऑथर का क्या कहना है यहाँ पे जो न्यूज़ है उसका क्या कहना है बेसिकली कि जैसे क्या होता है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ रहते हैं देखो क्या होता है कि जो स्पीशीज़ रहती हैं जो कि थ्रेटन कैटेगरी में रहती हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रहती है उनका जो एरिया जो हैबिटेट का एरिया रहता है उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाता है मतलब कि उस एरिया में उनको बचा बचाने का काम रहता है प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता है अब साल फॉरेस्ट के ट्राइस के, के केस में क्या हो रहा है कि जो इनका हैबिटेट है मतलब सपोज अगर ये इतने एरिया में रोम कर रहे हैं तो केवल इतना ही एरिया प्रोटेक्टेड है बाकी का एरिया अनप्रोटेक्टेड है तो ये न्यूज़ यही बोल रही है बेसिकली कि सपोज करो साल फॉरेस्ट ऑल्ट्राइज का एरिया ऑफ स्ट्रेच इतना है इतना एरिया ऑफ स्ट्रेच है तो केवल इतना ही है जो कि प्रोटेक्टेड है बाकी का ये नाइन्टी परसेंट के आसपास जो एरिया है ये अनप्रोटेक्टेड एरिया है ऐसा यूज न्यूज़ में कहा गया है ठीक है ना अब जो साल फॉरेस्ट टॉर्ट्राइज है यानी कि साल फॉरेस्ट टॉर्ट्राइज के जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं इंडिया में उसमें वो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है याद रखेगा उसका आयुष एंड स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इसको इलॉन्गेटेड टॉर्ट्राइज भी कहा जाता है क्या बोलते हैं इसको इलांगेटेड टॉर्ट्रॉइज कहते हैं और ये साल फॉरेस्ट टॉर्टाइज जो है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है एंड इट इज़ हैवीली हंटेड फॉर फूड बेसिकली इसको क्यों हंट किया जाता है फॉर फूड खाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो कलेक्टेड बोथ फॉर लोकल यूज सच एज़ डेकोरेटिव मास्क एंड इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड तो डेकोरेटिव मास्क के लिए भी इसको लोकल यूज़ के लिए भी लोग हंट करते हैं और इसका इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी हंट करते हैं ठीक है ना तो अभी हुआ क्या था कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है देहरादून में लोकेटेड है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने बेसिकली एक स्टडी की और ये बताया कि इनका जो हैबिटेट है वो बहुत कम एरिया है प्रोटेक्टेड का बाकी ये अनप्रोटेक्टेड में ही घूमते रहते हैं तो इसलिए इनके ऊपर दोबारा थोड़ा इनको थो रिकलेबरेट करने की ज़रूरत है इसके अलावा कुछ और स्पीशीज़ हैं जिनके में ये ज़रूरत है करने की जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड ब्रैकिश वाटर टर्टल तो ब्रैकिश वाटर जो टर्टल है जिसको बतागुर बस्का भी कहा जाता है ओके तो बतागुर बस्का भी जो

ओके okay, so पूरा पी पीएम केयर्स का एक ए, काफी अच्छा डाइसेक्शन किया गया है एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे तो 28 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड निकाला जिसको बोलते हैं पीएम केयर्स बोलते हैं ठीक है ना अब ये है कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक से लड़ने के लिए तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यह कि कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है इस फंड में काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना द फंड रिसीव वॉलंट्री वॉल्टरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट इसका जो पैसा आता है बेसिकली वो वॉल्ट्री कंट्रीब्यूशन से आता है इंडिविजुअल से आता है ऑर्गेनाइजेशन से आता है और इसमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है न डोनेशन है जो डोनेशन आती है वो टैक्स एक्जेप्टेड है एंड इट कैन बी काउंटेड अगेंस्ट कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन एज वेल इसमें जो डोनेशन आती है वो सी एस आर के लिए भी काउंट किया जाता है इसको इट इज़ ऑल्सो एक्जेम्प फ्रॉम द फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दो हजार दस अब इसको एफ सी आर ए टू थाउजेंड टेन से भी बाहर रखा गया है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बौ बात यह है और इसमें जो है मतलब कि फॉरन फंडस भी आप ले सकते हो अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब केरला फ्लड आया और केरला को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो उस समय आपने कहा कि हम मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नहीं लेंगे है ना तो केरला फंड्स के टाइम पे फ्लड्स के टाइम पे केरला में जब डिजास्टर आया तो आपने कहा कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक किसी नेचुरल कैलामिटी में इस तरह से हम नहीं लेंगे अपनी कंट्री के लिए लेकिन जब ऐसी चीज आई तो आपने कहा कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी लेंगे पीएम केयर में आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हो उसको एग्जाम करके रखा है आपने एफ सी से तो ये कुछ चीजें हैं जो कि उठाई जानी क्रिटिक्स ने भी इसको उठाया है अब क्या इंडिया में कोई दूसरी फैसिलिटी ऐसी नहीं है तो है पी एम एन आर एफ है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी कहते हैं ये 1948 फोर्टी एट में बनाया गया था पी एम एन आर एफ जो है वो 1948 फोर्टी एट में बनाया गया था और उसी अब इसका पी एम केयर्स बना दिया गया है इट इज़ नाउ यूज टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द फैमिलीज ऑफ़ दो स्किल्ड इन नैशनल कैलैमिटीज एंड द विक्टि ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स एंड राइट्स तो पी एम एन 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 आर आओ का फंड बेसिकली कैलमिटीजीज और जो राइट में विक्टीम मरते हैं उन, उनकी फैमिलीज को देने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है पी एम को पहले मैनेज करती थी एक कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर था और फाइनेंस मिनिस्टर थे देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एक जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टाटा ट्रस्टीज हैं उनको भी रखा गया था ओके okay, तो ये मतलब कि अक्रॉस द पार्टी लाइंस इसमें पी एम इसको मैनेज करता था लेकिन नाइनटीन में कमेटी ने ट्रस्ट किया पूरा जो मैनेजमेंट है फंड का वो प्राइम मिनिस्टर के पास तो पी एम का पूरा जो मैनेजमेंट है नाइनटीन से वो प्राइम मिनिस्टर के पास है उन्नीस से वो पूरा का पूरा, पूरा प्राइम मिनिस्टर के पास है एंड जो पूरा डिस्क्रिप्शन है फंड डिसबर्सल का वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही लाई करता है अब पीएम को लेकर के क्या कंसर्न वो देख लेते हैं तो पीएम केयर्स को लेकर के सबसे बड़ा कंसर्न जो है तो इट इज नॉट क्लियर वेदर द फंड विल कम अंडर में पूरा जो कंट्रीब्यूशन है तो जन, जन, जनार्दन दे रही है ना हमारे और आपके जैसे लोग दे रहे हैं तो क्यों हमको पता नहीं चलना चाहिए, एक्ट के आना चाहिए. दूसरा कि क्या इसको कैग जो है क्या इसकी ऑडिटिंग करेगा या नहीं करेगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट तो करेगा लेकिन क्या कैग करेगा कि नहीं करेगा प्राइवेट ऑडिटर नहीं कैग करेगा कि नहीं करेगा ये दूसरा क्वेश्चन है ठीक है ना तीसरा जो इशू है कंसर्न है वो है कि इसमें अनकैप्ड कारपोरेट डोनेशन आ सकती हैं मतलब कि कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लगाई गई है और उसको सी एस आर एक्सपेंडिचर में भी फैसिलिटी में भी काउंट किया जाएगा तो ये चीज पी एम एन आर एफ में तो नहीं दी थी आपने तो पी एम केयर्स में आपने क्यों दे दी दिस इज अनदर क्वेश्चन सीरियसली जो कि रेज किया गया है देन पी एम एन आर एफ प्रोवाइड्स एनुअल डोनेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन तो पी एम एन आर एफ जो है वो हर साल एनुअल डोनेशन एक्सपेंडिचर का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोगों के सामने लेकिन पीएम केयर्स फंड जो है उसमें

क्या कोई लॉ है अभी इंडिया का कोई लॉ है जो कि प्रोटेक्ट करता है इस तरह से तो हाँ नाइनटीन का एक लॉ है जो कि प्रोटेक्ट करता है इस 1979 के लॉ का नाम क्या है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट नाइनटीन तो नाइन नाइनटीन का लॉ है अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि करके कि क्या इस लॉ के अंदर प्रोविजन है तो एनी इट इज एप्लीकेबल टू एनी एस्टेब्लिशमेंट दैट इंप्लॉयज फाइव और मोर माइग्रेंट वर्कमैन फ्रॉम अदर स्टेट कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पांच या पाँच से ज्यादा माइग्रेंट वर्कमैन को मतलब अपने काम पे लगाती है उसको ये 1979 के जो माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है वो उसको इंक्लूड करता है मतलब अगर आपने पांच लोगों से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को लगाया है तो आपको इंक्लूड किया जाएगा ठीक है ना

अब एक और चीज इसके अंदर है 1970 लॉ के अंदर कि फॉर सिमिलर नेचर ऑफ वर्कर्स मतलब या सिमिलर नेचर ऑफ वर्क माइग्रेंट वर्कर्स शुड बी पेड द सेम वेजेस एज दैट शुड बी पेड द सेम वेजेस शुड बी गिवन सेम हॉलीडे बेनिफिट्स एंड शुड बी हैविंग सेम वर्किंग आवर्स एज दैट ऑफ अदर वर्कर्स तो अगर सेम नेचर ऑफ वर्क है तो माइग्रेंट वर्कर्स को सेम हॉलीडे सेम आवर्स ऑफ वर्क सेम वेजेस ये सारी उनको प्रोवाइड करना चाहिए प्लस 1979 का जो लॉ है वो ये भी कहता है कि नो केस वेजेस शुड बी लोअर देन द द अंडर मिनिमम मिनिमम एक्ट एक्ट तो जो में वेज वेजेसुडर है उससे नीचे तो किसी भी हालत में वेज आपकी होनी ही नहीं चाहिए अब अभी क्या ऑथर ने क्या बोला कि रिसेंटली एक बिल आया था उस बिल में uh, रिसेंटली एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019 कहलाएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड कोड टू थाउजेंड 2019 ये जो बिल है ये कोड जो है बेसिकली इसमें 13 लेबर लॉस को इंक्लूड किया जाएगा 13 विल बी सिंगल पीस तो ये सिंगल पीस के अंदर का हैं जिनको कि किया जाएगा उसमें उनमें से एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट नाइनटीन भी है जो सब्स्यूम्ड होंगे अब इसका मतलब क्या है कि जो सेपरेट लॉस थे जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट माइन्स एक्ट डॉक वर्कर्स एक्ट इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इन इन सबको इसके अंदर सब्स्यूम कर लिया जाएगा अब कोड ये बेसिकली क्या कोशिश करता है ये कोड भी कोशिश करता है कि उनको सेम जो अभी तक सुविधाएं मिलती थी वर्क की टर्म जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि उनको वेजेस ऐसे मिलेंगे इम्यूनिटीज ऐसी प्रोवाइड की जाएंगी सेम वर्किंग कंडीशन होना चाहिए सेम ये सारी चीज़ें तो इस कोड के अंदर है फिर भी कुछ लोग बेसिकली क्या फियर में है कुछ लोग इस फियर में है कि अब देखो पहले क्या था पहले तेरह चौदह अलग अलग लॉस थे जो कि सेपरेट एक कैटेगरी के लिए थे अब उनको सब्ज्यूम करके जब एक किया जाएगा तो कुछ चीजें तो हैं जो कटेंगी तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब ऐसा किया जाएगा तो बहुत सारा जो उनका प्रोटेक्शन उनको मिलता था वो नहीं मिल पाएगा तो इसीलिए लेबर यूनियंस क्या फील करते हैं कि लेबर यूनियंस फील दैट प्रिजर्विंग द सेपरेट इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्सिंग इट विद अ सेपरेट कोड दैट इज मच बेटर दैन सब्ज्यूमिंग इट अंडर सिंगल कोड उन्होंने कहा कि पहले वाले जो सेपरेट है उनको तो रहने दो उनको और री इनफोर्स कर सकते हो बेसिकली आप इस, इस तरह से री इन्फोर्स करने की जरूरत है कि कोड आप ला के री इन्फोर्समेंट कर दो लेकिन आप उनको सब्ज्यूम मत करो तो तो दिस हैिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल अब तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट क्लब क्लस्टर मार्केट है उसका नाम देख लो कोयम बेडू अगर आपसे कोई पूछे कि कोयम बेडू क्या है या कहां पर है तो इट इज चेन्नई चेन्नई का